अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज उसामा जमील फ्रॉम ज्यूरिस्ट डॉट पी के। टूडे वी हैव इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद मिस्टर हामिद सईद। मिस्टर हामिद सईद इज एन इंटरनेशनल कंसल्टेंट एंड वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। ही इज ए ड्रेस्ड अप टॉप पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन एंड कॉर्पोरेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। ही हैज ओवर 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन ड्रेसिंग द प्रोफेशनल्स। ही हैज कंडक्टेड हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग सेशंस in United States and in Pakistan. In Pakistan, he has conducted training session for Pakistan Civil Services Academy, Punjab Judicial Academy, for LUMS, for Lahore Chamber of Commerce and Industry, and many other educational institutions. Very warm welcome to you, Hamid Saab, and thank you so much for giving us your precious time. Thank you very much for inviting me, Osama. I'm very delighted to be here, and especially अटर्नीज के साथ और साउथ पंजाब में बात करना मेरे लिए एक बड़ा फखर की बात है। एंड आई यू नो इंशाल्लाह वी कैन हैव अ ग्रेट सेशन। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, ड्रेसिंग जो है किसी भी शख्सियत या पर्सनैलिटी का एक अहम जुज होता है, एक अहम हिस्सा होता है। अगर बात जो है वो लॉयर्स की आए या वुकला कम्युनिटी की आए या लीगल प्रोफेशनल्स की आए तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे कि ड्रेसिंग होती क्या है, ड्रेसिंग जो पूरी एक साइंस है अपने आप के अंदर वो क्या होती है, ड्रेसिंग एटिकेट्स क्या होते हैं स्पेशली फॉर द लीगल प्रोफेशनल्स, फॉर द लीगल फ्रेटर्निटी, और किस तरह से लॉयर्स को जो है वो ड्रेस अप होना चाहिए इन द कोर्ट, इन द आउट ऑफ कोर्ट। तो इन सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। हामिद सईद साहब, सर ओवर टू यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने कहा मेरा नाम हामिद सईद है। आई एम एन इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड आई वांट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माय सेल्फ बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक। राइट, श्योर श्योर सर। वैसे या मैं यू नो आई एम ए ग्रेजुएट इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान। ये मेरी बेसिक एजुकेशन थी। तो सोल सर्चिंग करता करता हुआ यू नो आई वांटेड टू सी कि कहाँ मेरा पैशन है, वेयर आई वांट टू स्पेंड माय माय लाइफ एंड वेयर आई वांट टू कंट्रीब्यूट। तो वो मैं सोल सर्चिंग करता अमेरिका चला गया। वहां जाके फिर मैंने एमबीए किया। लेकिन इंजीनियरिंग से जो मैंने सीखा वो लॉजिक है। यू नो आपको होता है कि लॉ प्रोफेशन ऑल अबाउट लॉजिक है। आप अपनी आर्गुमेंट कैसे पेश करते हैं, आप इशू कैसे फ्रेम करते हैं, तो वो मेरा यू नो दैट्स इन माय जीन्स। और उसके बाद मैंने एमबीए करके ये सीखा कि यू नो बिजनेस वर्ल्ड कैसे ऑपरेट करती है। अब जैसे मुझे पता ही नहीं कि एक बैंकर है उसकी जॉब क्या है, अकाउंटेंट की जॉब क्या है, लॉयर क्या करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, लॉयर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कितनी तरह के लॉयर्स होते हैं, क्या डायनेमिक्स है, तो ऑब्वियसली मैं कोई ड्रेसिंग पे कैसे एडवाइस दे सकूंगा। तो वो मेरा सारा एक्सपोजर हुआ वहां पे। एंड देन यू नो कोई यू नो आई स्पेंड सम इयर्स देयर यू नो इन बिजनेस। लेकिन उसके बाद वही वो पैशन जारी रहा यू नो सोल सर्चिंग का कि भाई कहाँ करना है। एंड देन फाइनली आई लैंडेड एट FIT, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और वहां पे जब मैं गया तो देन आई रियली फाउंड माई कॉलिंग कि यू नो व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माई लाइफ। और यू नो व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर उसके बाद रियली चैलेंज था कि क्या करना है लाइफ में। यू नो डू आई वांट टू बिकम कोई ब्रांड खोलना है या बुटीक खोलनी है या कोई फिर फैशन हाउस में काम करना है। तो देन आई यू नो सो सर्चिंग करते करते देन आई फाउंड दैट यू नो मैं अगर इमेज पे प्रोफेशनल इमेज पे काम करूं तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट दे आर लॉस्ट, स्पेशली मेन। वीमेन को तो फिर थोड़ी सी इनेट सेंस होती है लेकिन मेन कलर ब्लाइंड भी हैं, दे हैव नो आइडिया कि कैसे पुट टुगेदर करना है कॉम्बिनेशन ऑल दैट। तो उसमें मैंने 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग डेवलप की हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसमें साइंस क्या है, एक्चुअली साइंस क्या है। साइंस एंड सो आई हैड अ गुड रन देयर, यू नो आई डिड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। एक स्टोरी है मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि लॉ के साथ मेरा कैसे एफिलिएशन हुई। यू नो मे बी यू नो उसमें हाउ इट बिकेम रेलेवेंट टू मी एंड हाउ इट्स रेलेवेंट टू यू जो मेरा नॉलेज है। तो ये करते करते यू नो 20 some years गुजरे एंड यू नो नाउ आई डन ट्रेनिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ बिजनेसेस जिसमें लॉ प्रैक्टिस जो है बड़ी प्रोमिनेंट है। मैंने बार एसोसिएशन में वहाँ पे यू नो आई हैव डन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स। आई अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंट कॉन्सेप्टेशंस क्या है, कॉर्पोरेट लॉ क्या है, क्रिमिनल अटॉर्नी क्या है, उसका रोल क्या होता है, एल्डर लॉ क्या होता है, यू नो मैट्रिमोनियल अटॉर्नी जो है वो हाउ ही ऑपरेट्स। तो इसके अलावा लॉ जर्नल में कुछ आर्टिकल वगैरह भी लिखे। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड देन यू नो आई मीन वहां पे इतना टाइम गुजारने के बाद मोस्टली पाकिस्तानी जितने भी होते हैं जब वो ज्यादा टाइम यू नो कहीं मुल्क में रह लेते हैं आउट ऑफ कंट्री तो फिर उनके दिमाग में कीड़ा जन्म लेता है कि यार मैंने आई हैव डन अ लॉट फॉर माय सेल्फ माय फैमिली माय बिजनेस, तो मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया।
तो ये ठीक कीड़ा मेरे अंदर भी जन्म लिया. आई मीन यू नो, उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि यार आई मीन आई डोंट हैव मच टू ऑफर. जैसे डॉक्टर कदीर खान साहब आए, उन्होंने एक पूरी वो यू नो एक जी एटॉमिक एनर्जी का पूरा उनके पास एटॉमिक कॉन्सेप्ट था, एनर्जी और इस तरह शौकत खान हम अपना इमरान खान साहब लेके आए. तो जी देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि यार ड्रेसिंग जो इतना बड़ा ह्यूज टॉपिक नहीं है, बट व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि पाकिस्तान में इसकी कितनी जरूरत है, एंड आई थिंक आई कैन कंट्रीब्यूट, एंड दैट्स व्हाई आई केम टू पाकिस्तान. सो दिस माई यू नो ब्रीफ यू एग्जैक्टली नो इंट्रोडक्शन, एंड देन आई कैन वी कैन गेट इनटू इनटू द डिस्कशन ऑफ ड्रेसिंग नाउ. सर, इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर पाकिस्तानीज टू बी हेयर सर। आप सर हमारे दरमियान है और हमें गाइड कर रहे हैं सारे प्रोफेशनल्स को सिविल सर्विसेज एकेडमी में या जजेस को, तो सर ये हमारे लिए जी ऑनर जी है, प्रिविलेज है। अच्छा, मैं बात शुरू करता हूँ ये लॉ जी जी प्रोफेशन सर से, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव एक्सपोजर टू ऑल द अदर, बिकॉज इट्स मोर जी रेलेवेंट. तो मेरा जी सबसे पहला जो एक्सपोजर लॉयर के साथ हुआ अमेरिका में, वो जी प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क. आई मीन यू नो ऑब्वियसली इट वाज वे अप देयर यू नो स्टेटस वाइज एंड ऑल दैट. तो मैं 5 P तो ड्रेसिंग की बात करूंगा. उसका सबसे पहला पी है पिगमेंटेशन, कलरेशन, के हमारी पर्सनल कलरेशन क्या, आई कलर क्या, हेयर कलर क्या, स्किन टोन है. तो ये पिगमेंटेशन की एग्जैक्टली स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. सो जी एनीवे जी जरूर आई हैड द अपॉइंटमेंट, आई वेंट देयर, वेरी ग्रेशियस मैन, वेरी 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 ब्यूटिफुली ड्रेस्ड. आई मीन मेरा ख्याल है कि व्हेन आई प्रोसेस्ड यू नो व्हाट ही वाज वेयरिंग, मे बी अरमानी का सूट पहना हुआ था, इटालियन शर्ट पहनी हुई थी, एंड अर्मेज की टाइज जो बड़ी एक्सपेंसिव टाइज है, बॉलीज के शूज जी पहने हुए थे. यू नो मेरा क्योंकि फील्ड है, सुन एंटर इन टू अ रूम सो आई सी लाइक यू नो व्हाट द पर्सन इज वेयरिंग. तो एनी वे ही वॉज वेरी वेरी एग्जैक्टली ग्रेशियस, ही केम आउट ऑफ द यू नो अपना टेबल से, वहां अपने बाहर आए, मुझे यू नो वेलकम किया, एंड वेलकम करते हुए यू नो ही सेड समथिंग टू मी वेरी यू नो लाइक जिसे कहते हैं न्यूयॉर्क स्टाइल में, एंड ही सेड यू हैव ओनली 1 मिनट टू टेल मी व्हाट यू हैव टेल मी. अच्छा सामा, आप तो मुझे बहुत टाइम देंगे, लेकिन 1 मिनट में, मैंने सोचा 1 मिनट में क्या बता सकता है बंदा. जी एंड बिल्कुल आई न्यू बिल्कुल दैट ऐसे आई न्यू न्यूयॉर्कर है, ही मीन्स इट. अगर मैं 1 मिनट में अपना कोई सब्सटेंशियल बात नहीं करता तो ही इज गोना शो मी द डोर, ही इज गोना से लुक यू हैव अनदर एग्जैक्टली अपॉइंटमेंट. अच्छा सर, मेरी आदत है जैसे मैं देखा उनको क्या पहने हुए सारा कुछ है, तो 1 मिनट में मैंने कहा यू नो आई कैन टेल यू जी समथिंग वेरी सब्सटेंशियल इन 1 मिनट सर. तो ही सेड ओके टेल मी. तो मैंने कहा दिस व्हाइट शर्ट इज नॉट गुड फॉर यू. अच्छा मैंने बस वाह इतना कहना था, मुझे पता है कि यू नो इज गोना रिटेलिएट एंड ऑल दैट. एंड एज सून एज सेड दैट ही जी सेड व्हाट्स योर नेम, आई सेड यू नो माय नेम इज हामिद, व्हाट कंट्री वर यू बोर्न, आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान. आर यू स्मोकिंग, आर यू ड्रंक, डू यू नो हु आई एम, डू यू नो व्हाट माय प्रोफेशन इज, हाउ डेयर यू से दिस व्हाइट शर्ट इज नॉट गुड फॉर मी, एंड व्हेन यू नो दैट व्हाइट शर्ट इज माय यूनिफॉर्म. तो मैंने कहा सर यू नो आई कैन प्रूव इट टू यू व्हाई व्हाइट शर्ट इज नॉट गुड फॉर यू. तो कहते हैं ओके प्रूव इट टू मी. तो मैंने कहा ओके व्हाट्स रॉन्ग विद माय व्हाइट शर्ट, ही सेड. तो मैंने कहा दिस व्हाइट शर्ट इज ओवर पावरिंग यू, दैट्स व्हाट ही सेड. अच्छा एज सून एज यू दिस वर्ड यू नो व्हाट प्लैनेट डू यू कम फ्रॉम, वर्ल्ड में तो कोई ऐसी बात ही नहीं करता ना, ओवर जी पावरिंग दिस. तो अच्छा ये एग्जैक्टली मुझे बताओ कि प्लेन इंग्लिश में मैं व्हाट्स रॉन्ग विद माय व्हाइट शर्ट. अच्छा इससे पहले मैं बताऊं कि वो क्या था, मैं लेट मी डिस्क्राइब टू यू हिज कम्प्लेक्शन. अच्छा ही हैड वेरी लाइटेस्ट यू नो ब्राउन आईब्राउज, आई मीन आई कुडंट इवन सी देम दैट हाउ 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 लाइट दे वर, हेयर भी बहुत ही लाइट थे, एंड देन ही हैड ए कम्प्लेक्शन जिसे कहते हैं ना पिंकिश, वेरी लाइट डेलिकेट कम्प्लेक्शन. अच्छा अब आप इमेजिन करते हैं उसके ऊपर ब्राइट व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, ठीक है ना. तो मैंने कहा सर व्हाट्स रॉन्ग विद दिस व्हाइट शर्ट इज दैट आई सी द व्हाइट शर्ट, आई डोंट सी यू. अच्छा व्हेन आई सेड दैट ही गॉट मोर इंट्रीग्ड, एंड सो माय 1 मिनट वाज अप. तो कहने लगे यू नो व्हाई डोंट यू सिट डाउन, यू नो यू यू सीम लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय. तो मैं बैठ गया. नाउ आई न्यू दैट लोडेड क्वेश्चन आना है, लॉयर का क्वेश्चन है, जज का क्वेश्चन, ओके प्रूव इट टू मी. आई न्यू आई वाज वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. तो मैंने कहा सर विद योर परमिशन मे आई टेक योर जैकेट ऑफ, मैंने जैकेट उतारी. उसके बाद ही वॉज वेयरिंग वेरी नाइस कफलिंग शर्ट, मैंने कफलिंग उतारे. फिर मैंने कहा कैन मे आई रोल अप द स्लीव्स, मैंने रोल अप किए. अच्छा सर वेयर एवर आई गो आई एम ऑलवेज वेरी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे पता है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो मेरे पास फैब्रिक स्वाचेस थी. अच्छा वो चार पांच जो व्हाइट कलर की स्वाचेस है, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, वी ऑल नो दिस कलर. तो मैंने उनकी स्किन के ऊपर, दे वर लाइक अबाउट इंच, 1 इंच, 1 स्क्वायर इंच की स्वाचेस थी. तो मैंने वो आई स्टार्ट पुटिंग देम ओवर देयर. सबसे पहले मैंने वो ब्राइट व्हाइट रखी, ठीक है ना, वो जो पहने हुए थे, एंड आई वाज आल्सो वेयरिंग ब्राइट व्हाइट. उसके बाद मैंने एक होता है डल व्हाइट रखा साथ में. फिर उसके बाद एक आइवरी व्हाइट है, वो भी व्हाइट है, ठीक है वो रखा. फिर उसके बाद एग शेल कलर है, वो भी मैंने रखा.
उसके बाद द कलर दैट आई थॉट वाज रियली हिज नाइस इज गुड कलर फॉर हिम, उसको कहते हैं एक्रू कलर, ECRU, जैसे ये बोस्की कलर नहीं होता, इसे ये बोस्की से लाइटेस्ट कलर, बिल्कुल हिंट ऑफ येलो से वो रखा। तो मैंने कहा ओके सर यू बी द जज, यू टेल मी व्हिच कलर लुक्स बेस्ट ऑन योर स्किन टोन। So he looked at all of those colors and then he gravitated to the same color that I wanted to say, this really looks good on you. So can I, you know, what do you call this? I said, ECRU. How do you spell it? I said, ECRU. That looks fantastic on me. Achha, then I asked him this. I said, you know, tell me the reason why. Why do you think this color looks good on you? So wo exactly use the same word which I use, ke jab aap right color pehante hain, toh aapki skin glow karti. That's always is true, especially when it's closer to your face. And he said to me, he said, this is the right color. Achha, wo sara karke maine kaha, okay, you know, kehte hain, what's the next step? Maine kaha, next step is, you know, I want to make you some ecru color shirts. And you know what he said to me at that time? He said to me, he went back on me. So kehte hain ke, but I wear only white shirts. So, you know, like I'm back to square one. तो उसको मेरे मुंह से क्लासिक फिक्र निकल गया कि मैंने कहा यू नो समथिंग, दिस इज योर वाइट एंड दिस इज माय वाइट। तो ये है पिगमेंटेशन की स्टोरी, कलरेशन की स्टोरी, एंड आई वाज एबल टू कन्विंस हिम एंड वंस ही गॉट दैट शर्ट, यू नो, ये उसकी स्किन टोन पे, उनकी स्किन टोन पे वो वाइट लगती थी, दैट्स व्हाट आई मेंट। सो यू मीन दैट वाज हिज वाइट, मेरे ऊपर ब्राइट वाइट अच्छी लगती है, हमारी स्किन टोन पे ब्राइट वाइट अच्छी लगती है। सो एनीवे, यू नो, ही वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही गॉट द शर्ट एंड ही इनवाइटेड मी टू हिज ऑफिस एंड सेड, यू नो, I mean, this is the first time that, you know, somebody convinced me on the colors. I had no idea that color is important. So, and then he opened a lot of doors for me. You know, wahan se phir meri Ubar Association mein entry. Uske baad, he thought that if I know so much about coloration, how much would I know about styling and how would I much know about image and all that. So he opened a lot of doors for me and I got a great opportunity. So ye meri story si law ke. And then... wahan se aapka jo hai connection start hua Bar Association से और लॉयर्स से और हमारी कम्युनिटी से, लीगल फेटर से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आई हैव अ लीथल कॉम्बिनेशन, आई इंजीनियर हूं, लॉजिक से बात करूंगा, एमबीए हूं मैं, यू नो, हाउ नो द बिजनेस मॉडल ऑपरेट्स, और उसके बाद मैंने एजुकेशन प्रॉपर्ली एजुकेटेड हूं डिजाइन में, इमेज में, एंड देन आई हैव ऑल दिस एक्सपीरियंस, सो आई थिंक आई एम गोना ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा सर, ये है पहला पी, पहला पी है पिगमेंटेशन, फाइव पीस की बात पहले करते हैं। फाइव पीस ऑफ ड्रेसिंग जो मैंने डेवलप किया, पहला पिगमेंटेशन, मैंने आपको एग्जांपल दी कि हाउ इट अप्लाइज। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ, व्हाई कलर इज इंपॉर्टेंट। यू नो, मोस्टली मेन थिंक लाइक यार इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आई कैन वेयर व्हाटएवर द हेक आई वांट, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हर कलरेशन के लोग बनाए हैं, अल्लाह ताला ने व्हाइट्स बनाए हैं, उनकी कलरेशन देख रहे हैं हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, green eyed, blue eyed, you know, blonde hair, you know, brown hair and all that, hum uske totally opposite hain. Fir uske baad aapke paas kale hain jo Africa ke kale hain, chamakdar kale, you know, I mean obviously they have their skin tone and all that. Fir aapke paas pura China pada hua hai, fir aapke paas pura Japan hai, they are all very homogeneous and they have a different coloration. Acha, Allah taala ne har cheez hikmat ke sath banayi, हमारा ईमान भी है, and you know, तो हिकमत उसमें क्या है? हिकमत ये है कि एक तो अल्लाह ताला ने आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हमें कलरेशन दिया है, ताकि गोरे जो हैं वो पहचाने जाए गोरे हैं, यू नो, व्हाट रेस दे आर, व्हाट ट्रीट दे आर एंड ऑल दैट, और हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके बाद दूसरी इसमें जो हिकमत है वो ये है कि अगर हम अपनी कलरेशन के मुताबिक कपड़े पहनेंगे, इन अदर वर्ड्स कंपेटेबल टू आर आई कलर, हे कलर स्किन टोन, तो हम अच्छे लगेंगे, एंड इफ वी डोंट वी नॉट गोना लुक दैट ग्रेट, दैट्स अ सिंपल आर्गुमेंट देयर। अच्छा, अब अच्छे लगने और ना लगने में क्या फर्क है? अच्छे लगने में यह है कि अब आप अच्छे लगते हैं, अब हम एस्थेटिकली बात नहीं कर रहे कि यो जी मैं कोई कैसा जी मैं खूबसूरत नहीं लगना चाहता, I'm like a macho man, I'm this, I'm that, you know, I got power, you know, when I'll speak, man, you know, I'll, you know, people will listen to me and all that. तो एस्थेटिकली भी इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि जब अच्छा कलर पहनते हैं, स्पेशली द वन विच इज क्लोजर टू योर स्किन टोन, your skin glows, jaise wo mujhe wo president of bar association ne bataya, my skin glows in that, when your skin glows that means you look very fresh, you look energetic, exactly, aapki eyes more zyada vibrant ho jayengi, aap you will be full of energy, you look like, you know, you can go there and conquer the world. Acha, jab opposite, jab aap aise color pehante hain jo aapke upar acche nahi lagte, ya they are not the I would say more compatible to your skin tone, eye color, hair color, to aap dull lagenge, aap lagenge tired, lagenge aap lagenge lethargic. अच्छा, आप देखें इसमें बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है एंड यू लुक वेरी टायर्ड,
अभी साइन अप नहीं जी किया क्लाइंट, क्लाइंट कहेगा यार थका हुआ डर नहीं है इससे पहले के, ये आई मीन लाइक ही लुक्स सो टायर्ड, व्हाई ही लुक्स सो टायर्ड, व्हाट इज द नी यू नो, और फॉर दैट मैटर कोई भी यू नो किसी एनवायरमेंट में जाते हैं, अगर आप कोर्ट रूम में जा रहे हैं तो कोर्ट रूम में लेट्स से फॉर एग्जांपल आई नो वी यूज ब्लैक हेयर एंड आई नो वी यूज व्हाइट कलर हेयर, लेकिन मैं उसको एक पूरा एक बेस बना के बात कर रहा हूँ क्योंकि यू हैव अ लाइफ अदर देन आल्सो अ ब्लैक कोट एंड ब्लैक सूट, तो आप जब राइट जनरेशन में नहीं होते तो यू नो ऑब्वियसली यू नॉट यू नो नॉट इट्स नॉट योर बेस्ट, तो ये है पिगमेंटेशन। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अपना जब कुछ चीज खरीदें, जब व्हेन यू बाय समथिंग बिकॉज़ आई नो यू आर नॉट बाइंग ओनली व्हाइट शर्ट, यू आर नॉट बाइंग ओनली ब्लैक सूट्स, यू आर आल्सो बाइंग अदर क्लोथ्स, तो आपने क्या करना है, आपने स्किन टोन के साथ रख के देखना है कि इज दिस कंपेटिबल टू माय स्किन टोन और नॉट, शुड आई बाय इट और नॉट, कंपेटिबिलिटी देखनी है। अगर इफ इज नॉट, चाहे वो सेल पे लगी है चाहे फ्री में आपने नहीं लेनी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चंद कलर बताता जाता हूँ साथ साथ, यू नो बाइंग टिप्स भी हो जाएंगी और टिप्स में जी, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है सर। अब लोग इस सवाल ये पैदा होता है, लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे ये कलर जो है कंपेटिबल है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी जरा रोशनी डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोशनी डालता हूँ साथ साथ ताकि यू नो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो जाएगी। अच्छा जी जी, सबसे पहली बात है जितने मेहंदी कलर है, जितने भी ऑलिव कलर है, जितने भी ब्राउन के शेड है, टैन कलर है, पाकिस्तान में बड़े मशहूर है ये, आई मीन शलवार देख ले वो पहन रहा है, शर्ट जो है वो उसमें ये डिफरेंट किस्म के कलर, जिससे ये सारे कलर हैं, ये अर्थ स्टोन कहते हैं, ये सारे गोरों के ऊपर अच्छे लगते हैं, ये हमारे ऊपर नहीं अच्छे लगते, आई मीन यू कैन वेयर इट बट इट्स नॉट योर बेस्ट ऑप्टिमल कलर। तो अब यह है कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो स्पेंड कर रहे हैं and you are a professional person, so why shouldn't you look your very best? So main isme ye kahunga ki aapne colors jo hain wo jab le yahan do colors hain usko rakh ke dekhe, ye litmus test hai, aap dekhe aapki skin glow karti hai, aap dekhe aapki eyes more vibrant hoti hain, aap dekhe all this will tell you, this is a litmus test. Agar it's not the optimal color, believe it or not, leave it in the store, don't buy it until you find the right color. Acha iske upar main thodi si aur you know deeper jaate hain, अब कौन से कलर्स हैं जो वो अच्छे लगते हैं उसकी बात कर लेते हैं, शर्ट में कौन से अच्छे लगते हैं, शलवार कमीज में कौन से अच्छे लगते हैं, एंड सो हमारी जो कलरेशन है, अनलेस के लाइक यू आर फ्रॉम चित्राल और फ्रॉम द नॉर्थ, क्योंकि वो ऑलमोस्ट यूरोपियन कलरेशन है, ठीक है ना, जो हमारी ये पंजाब में साउथ पंजाब की बात हो रही है, पूरे पंजाब में है, सिंध में है, केपी को थोड़ा छोड़ देते हैं अभी राइट नाउ, इसमें सारी कलरेशन हमारी एक ही तरह की कलरेशन है, या डार्क है या मीडियम है या लाइट है स्किन है। इसमें जो कलर्स हमारे पास अच्छे लगेंगे, एक तो व्हाइट है, व्हाइट इज द बेस्ट कलर। अच्छा, इस व्हाइट का मैं लॉयर्स के लिए एक और गुड न्यूज है कि व्हाई व्हाइट इज गुड, उसकी थोड़ी सी मैं कॉनोटेशन बता दूं, क्योंकि हर कलर का एक मतलब होता है, हर कलर का एक यू नो एक वो मैसेज देता है, व्हाइट मींस ट्रस्ट मी, व्हाइट मींस क्रेडिबल, व्हाइट मींस आई एम डिसेंट, व्हाइट मींस आई एम प्योर, व्हाइट मींस आई एम ऑनेस्ट, व्हाइट मींस आई एम सोफिस्टिकेटेड, व्हाइट मींस यू नो पीस का साइन भी है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मोस्ट फेवरेट कलर व्हाइट था, तो हाउ कुड वी गो रॉन्ग वेयरिंग व्हाइट। अच्छा, लेकिन व्हाइट में आप जान, मैंने जैसे कहा हमने ब्राइट व्हाइट की तरफ जाना है, हमने डल व्हाइट की तरफ नहीं जाना, हमने कोई एक्रू कलर नहीं पहनना, हमने कोई उसी में आवेश नहीं होनी चाहिए, एग शेल नहीं पहनना, क्योंकि ये सारे शेड्स हैं, आइवरी नहीं पहनना, हाँ कैटेगरी है, लेकिन आप ब्राइट व्हाइट में रहना, ब्राइट व्हाइट विल बी वेरी गुड फॉर आवर स्किन टोन। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि आप दूसरे कलर्स कौन से हम पहन सकते हैं, शर्ट में भी, शलवार कमीज में भी। अच्छा, इसमें जितने नेचुरल कलर्स हैं वो हमारे पास बड़े अच्छे लगते हैं। नेचुरल नेचुरल कलर का मतलब ये होता है जैसे ग्रे कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट को मिलकर ग्रे बनता है, सो दैट्स ए ग्रेट कलर फॉर अस, उसमें कोई अमेजिश नहीं होनी चाहिए, इन अदर वर्ड्स अगर हिंट ऑफ येलो है, हिंट ऑफ ग्रीन है, तो मेला सा ग्रे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें हमने जो हमारे पास चार पांच कलर्स जो है, मैं आई वुड से प्रोफेशनल भी गिने जाते हैं, दे लुक वेरी नाइस, एक तो व्हाइट मैंने बता दिया, फिर ग्रे के दो तीन शेड्स हैं, जैसे लाइट ग्रे हो गया, मीडियम ग्रे हो गया, चारकोल ग्रे हो गया, दीज आर ब्यूटीफुल कलर्स। अगर शर्टिंग में जाएं तो आपके ब्लू के जितने शेड हैं, आप जो यू नो स्काई ब्लू है, फिर उसके बाद मीडियम ब्लू है, फिर उसके बाद फ्रेंच ब्लू है, फिर उसके बाद डार्क नेवी ब्लू है, दोज आर द ब्यूटीफुल कलर। शलवार कमीज में भी चार पांच कलर्स आई वुड सजेस्ट कि आप व्हाइट में रहें या आप ग्रे के दो तीन शेड ले लें। ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ब्लैक इज गॉर्जियस, ब्लैक इज पावर कलर, तो आप ब्लैक शलवार कमीज पहन ले, अगर आपने कैजुअली जाना है तो ब्लैक शर्ट इज गोना लुक वेरी नाइस विद अ नाइस पेयर ऑफ पैंट्स एंड नाइस बेल्ट एंड एवरीथिंग। और इस तरह आपने जो है ना, अब ये जितने भी हमने मेहंदी कलर हैं, ऑलिव कलर हैं, जितने भी टैनिश कलर हैं, जितने ब्राउनिश कलर हैं, ये हमने अवॉइड कर दिए। सो ये है फर्स्ट।
जिसे कहते हैं राइट right. पिगमेंटेशन। अच्छा, सर ये जी आपने शलवार कमीज और शर्ट्स का बता दिया, तो अगर सूट्स में फॉर्मल ड्रेसिंग में, तो जी 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 उसमें जी भी जरा कलर मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएशन अच्छा कीजिएगा। जी 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 उसमें जो है ना, वो सबसे पहले ये कि हायरार्की ऑफ पावर क्या है, ठीक है। जी हायरार्की ऑफ पावर ये है कि ब्लैक इज द मोस्ट पावरफुल सूट एंड दैट्स व्हाई प्रोबब्ली इज द अटॉर्नी सूट, यू नो, ब्लैक हैज द पावर, एग्जैक्टली ब्लैक इज रीगल, ओके, सो दैट्स राइट ऑफ द एग्जैक्टली टॉप। लेकिन आप जब ब्लैक सूट पहनते हैं तो आप पहचाने भी जाते हैं। रोज आपने ब्लैक सूट पहना तो कहते हैं हियर कम्स द गाय, ही इज अ लॉयर, यू नो, एक आइडेंटिफिकेशन भी बन राइट जाता है। तो एग्जैक्टली जब आपने फॉर्मल क्लोथिंग में जाना है तो आपको डेफिनेटली ब्लैक सूट होना चाहिए। इवन इफ यू आर नॉट एन अटॉर्नी, आई वुड से यू शुड हैव वन गुड ब्लैक सूट, ठीक है। उसके बाद राइट दूसरा कलर जो है वो है पावरफुल भी है, अप्रोचेबल भी है, कॉनोटेशन भी है, वो है डार्क नेवी। डार्क नेवी इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल कलर एंड इट वर्क्स राइट यू नो लाइक ए चार्म। अच्छा, उसमें तीन चार और फायदे हैं डार्क नेवी में। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस करते हैं, यू नो, मे बी यू यू आर कॉर्पोरेट लॉयर एंड देन यू हैव मीटिंग्स विद यू नो बिग कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेट ऑल दैट, तो आपने हर वक्त ब्लैक सूट तो नहीं पहनना। और मे बी यू आर एन एनवायरमेंट वे क्लाइंट्स राइट कैन कम एंड यू कैन टॉक, यू नो, यू शुड यू आर देयर विद मोर फॉर्मल क्लोथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट ए ब्लैक सूट। तो उसमें जो डार्क नेवी एग्जैक्टली है दैट्स योर बेस्ट बेट। अच्छा, उसके दो तीन राइट फायदे ये हैं कि एक तो ये है कि अगर आप डार्क नेवी रोज पहन के आ जाते हैं तो नो बडी विल नो कि ये आपने पहने। ब्लैक सूट तो यू नो इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस थे, ठीक है। एक फायदा तो उसका ये है एग्जैक्ट कि आई मीन यू नो यू जी गेट मोर माइलेज आउट ऑफ इट। दूसरा उसका फायदा ये है कि इसकी कॉनोटेशन है पावर प्लस अप्रोचेबिलिटी दोनों। अच्छा, जब आप क्लाइंट से मिलते हैं राइट तो आपको इतने इंटिमिडेट लगने की जरूरत नहीं है, यू नो आई मीन, ओके, मे बी इट्स गुड फॉर कोर्ट एंड एवरीथिंग। वहां पे अगर आप सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली इमेज करना चाहते हैं तो डार्क नेवी इज अ वेरी गुड। इट विल गिव यू सॉफ्टवेयर इमेज, इट एग्जैक्ट विल गिव यू पावर, बट इट विल ऑल्सो गिव यू अप्रोचेबिलिटी, ताकि जो क्लाइंट आपसे बात कर सके। कॉर्पोरेट में अगर आप जी काम कर रहे हैं तो अगर आपने ब्लैक सूट नहीं पहना तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। और उसके बाद एक और उसका बड़ा फायदा है, वो ये है कि जो नेवी सूट है इट फॉल्स वेल विद ऑल सोशियो इकोनॉमिक लेवल पीपल। यानी इन अदर वर्ड, आप बहुत एफ्लुएंट बंदे से मिलते हैं वो भी आपको एक्सेप्ट जी करेगा, यार यू आर वन ऑफ माई काइंड। अगर आप मिडिल लेवल के साथ मिलते हैं तो उसको भी वो एक्सेप्ट करता है कि यू नो ही इज नॉट इंटिमिडेटिंग, इज माई काइंड गाय। उसके बाद थर्ड लेवल राइट है आपका लोअर मिडिल से, क्योंकि यू नो जब व्हेन यू आर अटॉर्नी, यू हैव अ लॉ फर्म, यू आर डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ पीपल विद ऑल सोशियो इकोनॉमिक लेवल। तो ये कलर जो है ना, ये इट 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 आई आई वुड से दैट इट 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 वर्क्स लाइक अ चार्म। उसके बाद राइट तो आप सर इसको आप जी, जी सर यू मे कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद जो है ये हो गया आपका डार्क नेवी, ठीक है। उसके बाद जो आपके जो ग्रे के शेड्स हैं तीन, आपको लाइट ग्रे है, मिड ग्रे है, डार्क ग्रे है, ठीक है, चारकोल जिसे राइट कहते हैं, दोज आर एक्सीलेंट जी कलर। लेट मी टेल यू व्हाट नॉट टू वेयर, ठीक है, सूटिंग में। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो मैं कहता हूँ, लॉयर्स आर नॉट लाइट वेट पीपल। लाइट वो कहते हैं लाइट वेट चैंपियन, हैवी वेट चैंपियन, आप लोग हैवी वेट चैंपियन है, ठीक है। जितने डार्कर कलर्स हैं दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज दैट हैज पावर, दैट हैज पंच, दैट हैज यू नो ऑल द राइट यू नो आई मीन द थिंग्स दैट वी जस्ट मेंशन। ऑल द लाइट, क्वालिटीज हाँ, लाइट कलर में जैसे बेज का कलर है मैंने कई तरह देखता है देखा है लोग पहनते हैं, या कोई ग्रीनिश ऐसे को ऑल भी लेते हैं, आई थिंक ऑल दोज जी कलर, एक्सक्यूज मी वन सेकेंड। वो लाइट वेट है, लाइट वेट मीन्स है कैजुअल समझे जाते हैं मोर। एक्सक्यूज मी, इसका सबूत यह है कि आप G7 के जितने प्रेसिडेंट्स हैं उनकी आप पिक्चर्स निकाल के देखें पिछले 10 साल की, यू विल नॉट फाइंड वन गाय देयर विद अ लाइट कलर सूट, तो इससे सारे डार्क है। अच्छा, इसमें एक और मिथ है जो आर्मी ने पिछले 200 साल से क्रिएट किया है कि जी डे टाइम में आपने लाइट कलर पहने हैं, नाइट टाइम में आपने डार्कर कलर पहने हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट मिथ। ये मिथ 200 साल पुरानी, श्योर किसी ने लिखा, वो अभी तक चल रहा है। अब देखें, बात यह है कि आप बिजनेस रात को करते हैं या दिन में करते हैं। बिजनेस तो सारा दिन दिन में में होता है, करते पिच तो सारी दिन में होती है ना। हैं तो यू शुड लुक मोर जी पावरफुल, यू शुड लुक मोर प्रोफेशनल, यू शुड हैव मोर पंच ड्यूरिंग द डे टाइम। तो आपकी सारी ड्रेसिंग आई वुड से एग्जैक्ट डार्कर कलर में होनी चाहिए। तो ये शूटिंग थी, मैंने आपको चार कलर्स में वो बता दिए हैं, शलवार कमीज भी कवर कर दी राइट है, और उसके बाद हमने राइट पैंट्स पैंट्स शर्ट्स कवर कर पे लेते हैं, बॉटम पे, बॉटम जी भी कवर कर लेते हैं, कलर्स, ट्राउजर्स ट्राउजर्स जिसके कहते हैं स्लैक्स ट्राउजर्स। आपके पास जी सिर्फ चार पांच कलर्स होने चाहिए, वो मैं मेंशन करता हूँ। ब्लैक, ब्लैक पैंट, उसका जी कॉम्बिनेशन है, आप उसको राइट व्हाइट के साथ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, याद रखें, अगर आप शॉर्ट हैं, अगर आप जी शॉर्ट स्ट्रक्चर है, 5'6" अंडर है, तो आपने ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट करना। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे, लेट्स से यू आर 5 फुट टॉल और आपने व्हाइट शर्ट पहन ली, ब्लैक राइट पैंट पहन ली, तो एक्चुअली यू हैव डिवाइडेड योरसेल्फ इनटू हाफ।
आप 2.5 फुट के हो गए हैं, क्योंकि आई जो ऐसे प्रोसेस करती है, टॉप का कलर पहले प्रोसेस करती है, उसके बाद बॉटम को प्रोसेस, अब लगता नहीं है कि रुक गई है, बट यू नो दैट्स हाउ द आई प्रोसेस कलर। तो आप अगर 5 फुट के हैं तो आपने अपने आपको 2.5 फुट का कर लिया, ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर आप शॉर्टर साइड पे हैं तो आपने ज़रा कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट करना, आपने जरा मोर मोनोक्रोमेटिक रहना है। अगर इफ आई वर टू ड्रेस समबडी शॉर्ट पैंट और शर्ट में, तो मैं कहूंगा अच्छा इसको ना व्हाइट और ब्लैक नहीं करते, इसको हम कर देते हैं ग्रे एंड ब्लैक। तो ग्रे एंड ब्लैक क्लोदर कलर हो गए ना, तो ही इज गोना लुक टॉलर। तो ये उसमें कुछ टिप्स हैं जिसे हम कहते हैं इल्यूजनरी कलर कॉम्बिनेशन। तो ब्लैक हो गया, उसके बाद आपके चारकोल पेंट, बड़ी जबरदस्त पेंट है, आई थिंक एवरी जेंटलमैन शुड हैव इन हिज वार्डरोब। फिर तीसरी कलर जो है मिड ग्रे है, जिसे मिड ग्रे, एक होता है लाइट ग्रे, एक मिड ग्रे है। लाइट ग्रे अगर आप शॉर्ट हैं तो बिलीव इन आर अगेन अवॉइड दिस, क्योंकि आप टॉप के साथ का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनेगा, मतलब इट्स गोना गिव यू टू मच कॉन्ट्रास्ट। सो दी एंड देन यू हैव नेवी, नेवी कलर एक बड़ा अच्छा पेंट का कलर है। उसके बाद लास्ट कलर जो है ना, वो मैं कहूंगा कि जो कहते हैं ब्रिटिश टैन, खाकी कलर होता है। अच्छा, ये सारी ड्रेस पेंट्स की बात हो रही है, बिना टॉकिंग अबाउट जींस, बिना टॉकिंग अबाउट चिनोस, बल्कि मैं ये ड्राई फॉर्मल ट्राउजर्स की, ड्रेस पेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें आपने खाकी कलर जो है ना वो, ताकि ब्राउन शूज के साथ अगर आपने कॉन्ट्रास्ट में ऊपर ब्लू ब्लेजर पहनना है तो उसके साथ एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो दो आपने, हाँ जी, ब्लैक जैकेट पहन ले या उसके साथ आप नेवी, मैं तो ये कहूंगा नेवी ब्लेजर अगेन इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाइट शर्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड नेवी ब्लेजर, उसके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वो एक बड़ा एरिस्टोक्रेटिक लुक है। नाइस बटन हो, बटन वो एंटीकी बटन हो, वो पीतल के अनारकली वाले चीप बटन नहीं लगे होने चाहिए उसके ऊपर। आई मीन ऑब्वियसली इसके ना यू नो कॉम्प्रोमाइज योर अथॉरिटी एंड स्टेटस एंड ऑल दैट। तो वो ब्लेजर हो साथ में ये पैंट्स हो, ये मैंने आपको कलरेशन के ऊपर पूरी बात कर दी। इसके ऊपर अगर आपका क्वेश्चन है देन वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पी। नहीं नहीं सर, इट्स ऑल राइट, आगे चलें। अच्छा जी, आगे जो सेकंड पी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं फैशन कौन सा फॉलो करूं, स्टाइल कौन सा फॉलो करूं, तो उसमें मैं, आई एम फैशन गाय ट्रेंडी, बट आई वुड से डोंट फॉलो फैशन ब्लाइंडली। आपने सिर्फ जो फैशन आपको फिट हो सकता है वही करें। तो उसमें जो ड्राइविंग फैक्टर है वो क्या है, वो है आपकी फिजिक। सो दैट्स माय सेकंड पी, आपकी बिल्ड क्या है, आप शॉर्ट हैं, टॉल हैं, हैवी हैं, क्या हैं, आप टॉल एंड थिन हैं, बिकॉज एवरी बॉडी हैज इट्स ओन चैलेंजेस। अच्छा, उसमें थोड़ा सा हैवी बंदे की बात कर लेते हैं, जो काफी हैवी है, लार्ज है, काफी स्प्रेड आउट है। अच्छा, आप इमेजिन करें कि आजकल स्लिम फिट चल रही है, स्लिम फिट ही चल रही है ना आजकल, तो मेरे पास आते हैं, कुछ आते हैं हैवी यू नो क्लाइंट्स, तो आते कहते हैं सर स्लिम फिट में सूट बनाना है। अच्छा, आप इमेजिन करें कि टमी ऑलरेडी यहाँ बाहर निकली हुई है, पेट बाहर निकला हुआ है, उसके बाद हिप्स यहाँ पे हैं, शोल्डर यहाँ पे हैं, बाइसेप्स यहाँ पे हैं, तो अगर उसे हम स्लिम फिट पहना देते तो क्या होगा, आई मीन यू नो वो ऑब्वियसली इट्स नॉट ए ग्रेट, वो और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगी, बल्कि बाद का तो टमी ऐसी है, ऊपर से शर्ट है, ऐसे लगता है कि बटन अभी पॉप अप कर देगा, अभी टूट जाएगा, अगर कोई बंदा बैठा होता है ऐसे लगता है यार खुदा ना खास्ता बटन यहाँ टूट जाए। तो ऑब्वियसली एक तो आपने सर ये क्वेश्चन है, एक तो आपने इधर एक्सट्रीम की बात कर दी स्लिम फिट, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो बात कर रहे हैं आप, हेल्दी हैं, टमी बाहर है, तो वो बड़े बड़े कोट्स पहन लेते हैं और जो है ताकि उसको छुपाया जाए। तो इसको वो पता क्या है, वो मैं कहता हूँ कि वो टेंट पहनती है। देखे ना, आपने इतने भी नहीं पहनने के आपके वो टेंट लगे, आप देखें आपकी शेप है। मेरे आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर इन दैट प्रेडिकमेंट, यू नो आई वुड से के कुछ लोग तो जेनेटिकली यू नो होते हैं, अगर आप यू नो हैवी, कुछ लोग होते हैं मेडिसिन की वजह से, कुछ लोग होते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कुछ नहीं छोड़ना, आई मीन दे ईट अ लॉट एंड एवरीथिंग एंड दैट्स हाउ दे गेट टू वेयर दे वांट दे गेट टू। लेकिन सो पॉइंट ये है कि हमने ना तो टेंट लगना है, ना हमने वो स्लिम करके उसके ऊपर जो है ना वो एक अपना यू नो एक मजाक उड़वाना है, ठीक है। दोनों 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 एक्सट्रीम्स हैं, तो इसमें फॉरगिविंग फिट होनी चाहिए, एंड यू नो एंड एंड बॉक्सियर लुक नहीं हो, ये नहीं कि पूरा बॉक्स बन गया। तो दैट्स आई वुड से कि हैवी बंदे के लिए, शॉर्ट बंदे के लिए, पाकिस्तान में 50-60% हमारी जो पॉपुलेशन है दिस शॉर्ट, आई मीन यू नो, और शॉर्ट के तो बहुत मसले मसाइल हैं। सबसे पहले तो घर से ही मसला शुरू हो जाता है, माँ छोटा 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 कह के सेल्फ एस्टीम जो ना लाइक डाउन टू द फ्लोर, तो वो जब बड़ा होता है तो उसमें होता है कि यार काश मैं बड़ा होता, काश मैं, अभी ऑब्वियसली देखें अल्लाह ने पैदा किया है, सो यू नो मीन आई कैन डू मच अबाउट दैट, लेकिन ये है कि यू नो वी कैन, वी हैव टेक्निक्स के आप टॉलर लग सकते हैं, आप ज्यादा स्टिग्मास है ना कि यार मैं काश टॉल होता, काश में मे बी आई वुड हैव बीन मोर पावरफुल, मे बी आई वुड हैव बीन मोर यू नो पीपल वुड यू नो रिस्पेक्ट मी मोर, आई एम मोर सब्सटेंशियल। तो उसमें जो है यू नो गुड न्यूज ये है कि शॉर्ट आदमी भी पावरफुल लग सकता है,
अच्छा, उसमें भी एक लॉयर की मिसाल मैं आपको देता हूँ. हैपन टू बी अ लॉयर फ्रॉम येल, न्यूयॉर्क की बात है. तो ही केम टू माय शोरूम एंड ही सेड टू मी, ओ आई आई हर्ड यू फिक्स पीपल अप. मैंने कहा यस यस, यू नो आई आई ट्राई टू हेल्प. सो हाउ डू यू फिक्स देम, हाउ डू यू फिक्स देम. तो वो 5 फुट का था, बिलीव इट नॉट, ही वाज ओनली 5 फुट टॉल. येल से पढ़ा हुआ था, यू नो फिल्थी रिच, आई मीन यू नो ही इज गॉट बिग फर्म एंड एवरीथिंग. तो मैंने से कहा लुक लुक यू आर नॉट एग्जैक्टली लॉयर. तो मैंने कहा यू आर नॉट अ रबर, आई कैन नॉट लॉन्ग इट यू, आई कैन नॉट मेक यू टॉल, बट आई नो व्हाई यू वांट टू लुक टॉल. तो कहता व्हाई आई वांट टू लुक टॉल, मैं कहता बिकॉज़ यू वांट टू लुक पावरफुल, यू वांट टू लुक मोर सब्सटेंशियल, यू वांट टू हैव स्ट्रांग प्रेजेंस. कैसी बात ये ना, कहता हाँ. मैंने कहा आई कैन अकम्प्लिश दैट. कहता कैसे? अच्छा आप जरा थोड़ी सी नोट करें बात, जो हम बात करते हैं इस फ्रेम में बात करते हैं, दिस इज द फ्रेम. हम कभी ऐसे ऐसे करके नहीं बात करते, हम शूज की तरह नहीं बात करते. सो इफ आई मेक दिस फ्रेम, ये जो फ्रेम है इसको अगर मैं स्ट्रांग बना दूंगा, पावरफुल बना दूंगा, पर्सन विल बिकम स्ट्रांग एंड पावरफुल. अच्छा इसमें अब टेक्निक क्या है, इमैकुलेट फिटिंग होनी चाहिए. शॉर्ट मैन के लिए देयर इज नो रूम फॉर एरर एट एब्सोल्युटली नॉट. शोल्डर थोड़े से बड़े हो गए, थोड़ी सी लेंथ जैकेट की बड़ी होगी तो लगेगा ऐसे वाला साहब के कपड़े पहन के आ गया, थोड़ी सी उसे छोटी निकाल ली तो लगेगा छोटे भाई के कपड़े पहन के आ गया. ठीक है, इस पर जितनी भी इंपरफेक्शन है ना वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर नजर आ रही होती है. एक टॉल के लिए कुछ थोड़ी सी अगर स्लीव लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई या उसकी पैंट थोड़ी सी लंबी हो गई, डजंट मैटर. लेकिन शॉर्ट के लिए प्रोपोर्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो अब यह है कि इम्पेकेबल स्ट्रॉन्ग शोल्डर हो, उसके बाद नाइस कॉलर हो. कॉलर ये नहीं कि बहुत बड़ा है, टीचर उंगलियां चली जाएंगी, पूरा हाथ चले जाएगा, या कॉलर बहुत टाइट है, यू नो ही कैन ब्रीद. और उसके बाद जो है जो शर्ट है वो इम्पेकेबल उसकी फिटिंग हो, उसका कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो, जैसे डार्क सूट हो, व्हाइट शर्ट हो, रेड टाई हो, तो पावर टाई आ गया ना, पावर कॉम्बिनेशन आ गया. तो मैंने उस अटर्नी को मैंने कहा लुक आई एम गोना मेक यू लुक पावरफुल. तो मैंने सारा ये डिजाइन किया. अच्छा इसमें थोड़ी सी एक और बात करूंगी, इसको कहते हैं पॉकेट स्केल जो मैंने पहना हुआ है, नहीं है नाक पोंछने के लिए नहीं है या हाथ साफ करने के लिए नहीं है, रुमाल नहीं है जिसको, उसको भी नहीं पता था भाई देव येल का पड़ा था. तो मुझे कहता है मेक श्योर दैट यू गिव मी दिस थिंग. मैं कहता दिस थिंग इज कॉल्ड पॉकेट स्केल. कहता वो व्हाटएवर द हेक यू कॉल, ये मुझे जरूर देना. तो मैंने कहा वी विल सी. अच्छा मैंने कहा ना वी विल सी. अब वो लॉयर था, उसे समझ आ गई कि आई एम नॉट गिविंग एनी आंसर. तो मुझे कहता है why? Is it, does it cost a lot of money? I think I can afford it. Is it too heavy? What is this? So I said, no, I will see. एक इसका litmus test है. तो anyway वो litmus भी बताता हूँ बाद में क्या हुआ. Anyway उसकी मैंने सारे outfit वगैरह बनाई and came to my showroom, try वगैरह किया. तो मुझे वो आते ही कहता, where's this thing? तो मैंने कहा, okay, here's this thing. तो मैंने कहा इसका test ये है कि you walk over there all the way to the other extreme. मैं ये रखूँगा यहाँ पे and then you walk towards me and I'll see how you walk. तो कहता ओके नो प्रॉब्लम. अच्छा वो बिल्कुल ऐसे सीधा पहले वॉक करके गया है, उसके बाद जब मेरी तरफ आया, जब मैंने ये रखा है, तो उसके बाद टिल्टेड हो गया, इस तरह टिल्टेड हो गया जैसे कि मतलब ये बहुत भारी है, वजन आ गया. एक्चुअली पता क्या, वो कॉन्शियस हो गया. क्लोथिंग जो है ना वो पता क्या, इट शुड मेक यू फील कंफर्टेबल. आप जो है जिसमें कंफर्ट महसूस करते हैं, जैसे अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आप 3-piece सूट पहन लेते हैं, आपको तो वॉक ही नहीं करनी आएगी, तो आप उसमें ही बेहतर है कि उसको आप ड्रेसअप कर ले. So anyway, उसकी जो अपना punchline है वो बताता हूँ. So I dressed him like really powerful everything. तो दो तीन दिन के बाद उसने मुझे call किया, कहता do you know where I am? मैं कहा no idea. कहता मैं एक lawyer की conference है वहाँ पे हूँ and I'm standing there next to a 6 foot tall guy and I made him look short. I made him look short. यानी psychologically उसने you know because he felt that. तो पाकिस्तान में जितने short लोग हैं, believe it or not, I'm the best news for them. I can help them look taller. इसमें और भी techniques वगैरह हैं, लेकिन जो मैंने कहीं ना fit की. अच्छा आप brand में जब आप short कोई चीज लेते हैं, short जो suit लेते हैं, short shirt लेते हैं, उसमें problem क्या है? उन्होंने tall को short कर दिया, उन्होंने उसकी proportion change नहीं की. इसका मतलब अगर पगड़ यहाँ पे आनी चाहिए तो पगड़ यहाँ आ रही है, ऐसी है कि नहीं? ऐसे ही अगर waist है तो waist यहाँ आनी चाहिए. So instead of looking like a थारो जेंटलमैन, यू लोग के बफून कि यार ये क्या है, मतलब कॉलर बड़ा है तो वो बड़ा ही रहता है, कॉलर की भी कोई फिटिंग नहीं होती, वो वैसे कॉलर भी वो नहीं कर यार ये बंदा यू नो शॉर्ट फ्रेम कर दो से यार शॉर्ट कर दो. आई मीन वो ऐसे काम करते हैं जैसे लोगों की आईज नहीं है, लोगों को समझ नहीं है. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ द ब्रांड्स कैन गेट अवे विद दैट. तो आई वुड से कि शॉर्ट आदमी को इंपेक्टेबल लगना चाहिए. तो ये है फिजिक, दैट्स द माय सेकंड थिंग. आपने आपके कलर में कपड़े जो है, आपने कलर में प्रॉफिट नहीं है तो आपने नहीं लेने, क्या वो सेल में फ्री में मिल रहे हैं, नहीं लेने. अगर आपके कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं तो यू नॉट गोना बाय. तीसरी जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी, पी दैट्स द थर्ड पी, आपकी पर्सनालिटी क्या है. तो ड्रेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो पर्सनालिटी, आप लीडर टाइप हैं
या फॉलोअर. अब लॉयर तो सारे लीडर हैं ना, आई मीन लाइक आई नोबडी इज गोना से आई एम अ फॉलोअर एंड 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 राइटफुली सो. तो उसमें ये है कि अगर आप जो है प्राइवेट क्लोथिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लैक कोट की, बाय द वे ब्लैक सूट पे मेरे, आपने मुझसे डिस्कशन करवानी है व्हाट द इश्यूज दैट आई सी विद देम, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर. अच्छा, लेकिन ये है कि उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो पर्सनैलिटी है आपके ऊपर कपड़े सूट करने चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी है. अगर आप लीडर टाइप है तो लीडर टाइप लगने चाहिए. इसका मतलब है कि आप कलर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ज्यादा, आप ज्यादा स्टाइलिश लग सकते हैं. अगर आप फॉलोअर टाइप के बंदे हैं तो देन यू नो प्रॉब्ली यू नो मोर कंजर्वेटिव ड्रेसिंग, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग. इसमें जो पंच लाइन है वो ये है कि क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन, मैन कैरीज द क्लोथिंग. दैट्स व्हाट इट. सो यू नो आई मीन आपको यू कैन कैरी देम, दैट्स ग्रेट. अच्छा, उसके बाद आ गया फोर्थ पी. फोर्थ पी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि आपकी पोजीशन क्या है. दैट्स द फोर्थ पी, ठीक है ना. आपने अपनी पोजीशन को दावा कपड़े लेने, सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस है आपकी, आपकी फर्म है, यू आर ए सीनियर पार्टनर देयर. वो तो एक जूनियर आता है जस्ट केम आउट ऑफ द कॉलेज एंड ऑल दैट, वो आपसे बेहतर लग रहा है या आई मीन इट्स नॉट गोना वर्क. आई मीन यू नो आपको अपनी पोजीशन के मुताबिक कपड़े पहने. इफ यू आर सीनियर, इफ यू आर दैट लेवल, तो मैं बताऊंगा कि ब्लैक सूट में आप कैसे सीनियर लग सकते हैं, वो भी थोड़ी देर में उसमें बात करते हैं. तो एनीवे उसमें आइडिया ये है कि जिस पोजीशन पे आप हैं, जिस ओहदे पे हैं, उस ओहदे पे लगने चाहिए. अगर आप सी लेवल के बंदे हैं तो आपको सी लेवल लगना चाहिए. अगर आप मिडिल लेवल के बंदे हैं तो मिडिल लेवल लगना चाहिए. अगर लोअर हैं, अच्छा कई लोग ओवर ड्रेसिंग कर लेते हैं, वो लोअर लेवल के होते हैं देन ओवर ड्रेस, तो उसके बारे में फिर बंदा कहता है यार क्या है तुम, यू ट्राइंग टू टेक ओवर द कंपनी, क्या मतलब मसला क्या है तुम्हारा, तुम इतनी ओवर ड्रेसिंग करके आ गए हो, सीईओ से भी तुम बेहतर करके आ गए. आई डोंट थिंक दैट वर्क्स आल्सो. अच्छा, मैं आपको सी लेवल के बंदे की बात सुनाता हूँ कि सी लेवल का बंदा जो है, जो सी लेवल का नहीं लगता. अच्छा, शुरुआत में खासतौर पर बड़ी मिस्टेक्स करते हैं लोग. अब आपने माशाल्लाह से जो है ड्रेस अप किया हुआ है, आपने वेस्ट कोट के साथ पहना हुआ है, प्रॉब्ली यू नो यू ऑलरेडी नो इट. अच्छा, इसमें जो सादगी के नाम पे ना बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान. अच्छा, सादगी के नाम पे आज इन्हीं कपड़ों में सोऊंगा, इन्हीं में उठूंगा, सुबह में थोड़े दो छटे मारूंगा मुंह पे, फिर थोड़ा सा इतर लगा लूंगा, फ्रेगनेंस लगा लूंगा, फिर मैं जाके मीटिंग में बैठ जाऊंगा. तो जब लोग कहेंगे सर आप, तो मैं कहूंगा नहीं जी, मैं तो सादा सा बंदा हूँ, बिलीव ना सर सादगी ना गण खा रहे. तो इसी तरह एक प्रेसिडेंट थे अपना उसके चैनल के, तो वो आए मेरे शोरूम में, तो इसी तरह के सादा बंदे थे. तो मैंने कहा सर मेरा तो मानना ये है कि सी लेवल बंदे को सी लेवल लगना चाहिए. तो हंसने लगे आगे से. तो मैंने कहा सर मैंने ऑफेंड तो नहीं कर दिया कहीं. कहते नहीं 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 आपने बिल्कुल ठीक बात की. लास्ट वीक मैं और मेरा एक मार्केटिंग का बंदा था, हम कहीं इवेंट पे गए, वो सूटेड बूटेड था और मैं इसी तरह वो यू नो द वे आई लुक. तो उन्होंने समझा कि वो सीईओ है कंपनी का. And I, you know, assistant. तो मुझे कहते आप पीछे बैठ जाइए, उसको आगे बैठाइए. Happens all the time. Exactly. तो आपने ख्याल रखना है कि आपने ओहदे के मुताबिक कपड़े पहने. और final जो है last P, वो है कि आपका profession क्या है. आप अगर lawyer हैं तो lawyer लगने चाहिए. अगर आप judge हैं तो judge लगने चाहिए. अगर आप engineer हैं तो engineer लगने चाहिए. अगर आप doctor हैं तो doctor लगने चाहिए. जो आपका profession है वो आपको लगना चाहिए. तो ये वो फाइव पीस हैं जो मैं कहूंगा कि अगर आप इनको लॉफ्टी मेरा क्लेम है कि इफ यू अंडरस्टैंड दिस फाइव पीस, जी साइंस ऑफ ड्रेसिंग है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक इन चूजिंग द राइट ड्रेसिंग. राइट 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 सर, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया जो ड्रेसिंग की साइंस है. अच्छा सर, जो लॉयर्स की है ब्लैक पेंट और ब्लैक कोट, अगर इसको डाइसेक्ट करें तो पॉकेट स्क्वेयर से लेकर टाई तक, टाई से लेकर शूज तक, हर चीज जो है इसको डाइसेक्शन करें. अच्छा करना है, लेकिन मैंने बड़ा रिस्पेक्ट के साथ करना है. तो रिस्पेक्टफुली करूंगा, डिस्क्रेशन के साथ. और मतलब कि नो बिकॉज़ यू नो आई मीन ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी एंड दैट्स व्हाई इन माय स्टाइल मैं जजेस पे जाके जो हम भी बात करता हूं, बात करनी जरूर है लेकिन एक तरीके से करना है. जी सजेशंस है, बिल्कुल सजेशन है बिल्कुल. अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि जो फाइव पीस मैंने डिस्कस किए हैं उसमें फिजिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करती है. ब्लैक सूट डिसाइड हो गया ना, जो ब्लैक सूट पहनना है, व्हाइट शर्ट पहनी है. व्हाइट में सिर्फ ये कहूंगा कि आपने व्हाइट जो है वो ब्रिलियंट व्हाइट, आपने जो है मतलब है जैसे मैंने बताया ब्राइट व्हाइट पहननी है. तो अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है. प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो फिटिंग है वो फिटिंग नहीं होती, या बहुत बड़ा खुला कोट पहना हुआ है, शोल्डर यहाँ पे है यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद कमी में फिटिंग ठीक नहीं है, पैंट जो है वो इज टू बिग, यू नो थाइज में टू बिग है, लॉन्ग है, तो फिटिंग इज नॉट यू नो व्हाट इट शुड बी. सो आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक इज ओवर देयर. यानी कि देखें
कुछ हम जो सबलिमिनल मैसेजेस हैं अटर्नी को क्या देने चाहिए ड्रेसिंग के, उसको बात करते हैं, देन वी कम बैक टू इट। सबसे पहली बात है कि हाँ जी नॉन वर्बल, लॉयर मस्ट लुक स्मार्ट, कहते नहीं हमें अमूमन पब्लिक कैसे यूज करती है, स्मार्ट किसी वकील को हायर करना है मैंने, उसको रिटेन करना है, ऐसे करते हैं ना। अच्छा आप ये बताइए कि एक बंदा जो है वो ही लुक्स वेरी स्लॉपी, ही लुक्स वेरी मेसी, उसकी फिटिंग ठीक नहीं है उसके, यू नो इट्स लाइक ऑल ओवर द लॉट, और सारे कपड़े उसके या बहुत बड़े हैं या बहुत बड़े बहुत तंग हैं, तो क्या स्मार्ट लग सकता है? आई डोंट थिंक सो। सो एक्चुअली सो ही इज कटिंग राइट इनटू दैट। दूसरी बात, एक वकील को, एक लॉयर को कॉम्पिटेंट लगना चाहिए हमेशा। कोई कॉम्पिटेंट लगेंगे तो वो देना गना अगेन केस नहीं है। अच्छा आप कॉम्पिटेंस कैसे आ सकते हैं? आप लाजमी होता है आप साइन तो नहीं यहाँ लगा देंगे ना, हमें कॉम्पिटेंट आए, हमें कॉम्पिटेंट अटर्नी, ना आप ये कहेंगे यो आई एम वेरी स्मार्ट अटर्नी, आई मीन यू नो ये अपनी तारीफ खुद करते रहे नहीं, वो पीपल आर ये बहुत लाइट वेट लगेंगे ना, तो ना कह सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने कहना भी है, कहना भी है, तो वो आप सिर्फ ड्रेसिंग एक मीडियम है जिससे आप कह सकते हैं। तो उसमें यह है कि देखें अगेन, अगर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, टाई जो है वो यू नो या बहुत पतली लगाई हुई है या बहुत चौड़ी लगाई, इतनी चौड़ी लगाई है कि डायनासोर एज की लग रही है, पूरी छाती पे कंज्यूम कर रही है, पुराने 20 साल पर बात कर रहे हैं कि जी स्टेट ऑफ द आर्ट है हम, यू नो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं, ये लॉ यहाँ जा रहा है, यू नो इसमें ये मॉडिफिकेशन हो रही है, यू नो टॉक अबाउट यू नो फॉरवर्ड थिंकिंग, लेकिन क्लोथिंग है वो डायनासोर एज की पहनी हुई है, डायनासोर एज की पहनी है। तो जो कहते हैं ना पिक्चर और वर्ड जब मैच नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, आपसे आपसे बड़ा और कौन क्रिटिकल होगा? एक यू नो एक आता है वो कहता है मैं बहुत रिच हूँ, आप देखते हैं उसके ऊपर यार ये तो बड़ा गरीब लगता है, तो ऑब्वियसली जो है ना क्वेश्चन है यार ये तो वो नहीं है। तो इस तरह कॉम्पिटेंस अगर आपकी प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, आपकी कॉलर जो बहुत बड़ा है, कॉलर बहुत छोटा है, आप अप टू डेट नहीं लग रहे, आप कंटेम्प्रेरी नहीं लग रहे, आपकी प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, आपके सारा बेल्ट जो है वो उसमें से वेरी वेरी सॉरी से 10 साल पुरानी बेल्ट पहनी हुई है, 8 साल पुरानी बेल्ट पहनी है, बेल्ट में से रेशे निकल रहे हैं, बेल्ट के होल जो इतने इतने बड़े हो गए हैं, बेल्ट जो है वो आप सूट पहना हुआ है लेकिन आपने कैजुअल बेल्ट पहनी है, आपने बहुत बड़ा बकल लगाया हुआ है, आपने शूज बहुत चौड़े पहने। ये सर जी जी आमिर साहब कैन यू हियर मी? जी 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 आई कैन हियर यू। अच्छा सर ये भी आपने बेल्ट की तरफ निशानदेही की, सर ये भी बड़ा इशू है कि फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ जो है इधर बड़ा सा बकल पहना होता है। जी बड़ा सा बकल पहना था, उसके बाद सबसे बड़ा जो मिस्टेक है, देखें सूट इज अ सीरियस गारमेंट, इससे वेरी सूट, सूट से आगे तो कुछ नहीं है ना फॉर्मल में, सूट इज द किंग राइट। अब ये इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सीरियस आपने गारमेंट पहना हुआ है, उसके साथ आपने नॉन सीरियस शूज पहने हुए, नॉन सीरियस वेकेशन पहनी हुई है, वेकेशन डजंट गो विद दैट, आपने लेसअप शूज पहनने हैं, लेसअप शूज, और वो भी फिर आगे से वो ज्यादा पॉइंटिंग नहीं होने चाहिए, आगे से बहुत ज्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए। आई डोंट नो हु मेक्स दोस चौड़े शूज, आई मीन आई हैव नो आइडिया, एंड दे आर मेकिंग टन ऑफ मनी विद दैट, यू नो एंड पीपल हु बाय दैट, आई यू नो आई डोंट नो व्हाई दे बाय दैट। तो आपने ऑक्सफोर्ड शूज है, उसको आप गूगल अप करके देख सकते हैं, उसकी शेप बड़ी अच्छी है, दे आर वेरी प्रोफेशनल शूज, और लेसअप शूज पहने। अच्छा अब कई अटर्नी कहते हैं यार वो लेसअप करने हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये है खोलना है, वो करना फलाना है, सब नमाज पढ़ते हैं, यू नो आई मीन ऑब्वियसली दैट्स पार्ट ऑफ यू नो आवर लाइफ। तो आपने क्या है कि आप उनको, आप शूज को उतारें एंड देन यू नो यू कैन यू नो पुट देम बैक बैक इन अगेन यू नो व्हेन यू आर रेडी टू गो बैक टू वर्क, और शूज जो है, शूज और बेल्ट जो है वो मैच करनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना पेंट जो है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखें, पेंट बहुत खुली है, पेंट यू नो सारा ऐसा लगता है जब बॉक्सी लुक है। अच्छा जब बॉक्सी लुक होती है ना तो वो सारी बंदे को उसकी जो फिट है, जो उसकी many people have nice bodies, I mean everybody doesn't have like you know body is great, lekin usko celebrate nahi kiya gaya, usko right uski fitting nahi mili. Acha ek aur problem, lint, dust and lint, exactly, I mean, yeah, that killed sir, isko kis tarah se saaf kiya jaye? Main batata hu, pehli baat to ye hai ki $1000 ka suit bhi aapne pehna hai na, agar aapke yahan lint padi hai, dandruff padi hai, dust padi hai, believe it or not it's gonna kill your look. Acha isko एक मैं आपको इंग्लिश तरीका भी बता देता हूँ, फिर देसी तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप ये ना कि गो यू नो मैं वहां गया तो मेरे पास तो टूल नहीं था तो मैं तो कर नहीं सका। अच्छा इंग्लिश तरीका ये है कि एक लिंट ब्रश मिलता है, लिंट ब्रश आप किसी अच्छे ड्राई क्लीनर के पास चले जाए, उनके पास है वो, ऐसे एक उसमें लेयर होती है, वो ऐसे कर करके रिमूव करके, अच्छा वो आपने तीन लिंट ब्रश लेने, एक नहीं लेना राइट, मैंने जस्टिफिकेशन को नहीं छोड़नी, आपने एक अपनी कार में रखना है या अपनी बाइक के साथ रख लेना है, दूसरा लिंट ब्रश आपने ऑफिस में रख लेना है,
और एक आपने घर रख लिया. तो व्हेन यू गेट रेडी इन द मॉर्निंग, लिंट 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 रिमूव, ठीक है. उसके बाद जब आप ऑफिस गए हैं तो फिर लिंट ब्रश, या इससे पहले कि आप मीटिंग वगैरह में जाएं या कोर्ट में जाएं, उसके बाद यू नो वेयर एवर यू गो दैट यू हैव द लिंट ब्रश. अच्छा, देसी तरीका क्या है? देसी तरीका ये है कि आपने हाथ में थोड़े से हाथ गीले करने हैं ऐसे, ठीक है, पानी से बहुत टोटली वेट ना हो, बिल्कुल ऐसे गीले. आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, आपने पैंट में ऐसे करना है, एंड ट्रस्ट मी ऑल द लिंट विल बी रिमूव्ड. तो ये देसी तरीका हो गया. तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम नाउ ऑन जितने लॉयर्स यू नो सुन रहे हैं, वी शुड नॉट सी देम विद एनी लिंट ऑन देयर यू नो कोट और पैंट्स एंड ऑल दैट. सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. अच्छा, फिर उसके बाद स्टाइलिंग की बहुत प्रॉब्लम है. स्टाइलिंग की बहुत प्रॉब्लम है. यू सी ए यंग लॉयर और यू सी लाइक यू नो वेरी नाइस लुकिंग लॉयर, उसकी स्टाइलिंग जो है वो पुराने टाइप की स्टाइलिंग पहनी है, बहुत बहुत बड़े लेपेल्स हैं, और यू नो पेंट जो है, अगेन मैंने कहा बैगी है, टेपर नहीं है. पेंट की लेंथ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है. मोस्टली पाकिस्तान में 80% लोग ज्यादा लंबी पेंट पहनते हैं. उसकी वजह यह है कि जब एन देवर खेड जो हमारी मदर्स होती थी वो कहती थी कि इसको बड़े कपड़े पहना दो क्योंकि इसने अभी बड़ा होना है. तो वो हम जो यूज टू है उसका रूल यह है कि ये सिर्फ जस्ट इट शुड बी एट द टॉप ऑफ योर शू, यहाँ पे किस करना चाहिए, एंड दैट्स द बेस्ट लेंथ. तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है. अब ब्लैक में आपके पास डिफरेंट शेड्स भी आते हैं. जेट ब्लैक है, मैं कहूंगा जेट ब्लैक की तरफ जाएं, आप डल ब्लैक की तरफ मत जाएं, ठीक है. अगर आपने उसमें कुछ और एडिशन करनी है तो आप टेक्सचर में आ सकते हैं. टाई इज ए वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम विद लॉयर्स मोस्टली. समटाइम्स मोस्टली देता है टाई चीप लगाई हुई है, पॉलिएस्टर की टाई लगाई हुई है, 300-500 रुपए वाली टाई लगाई हुई है. And let me tell you that kills your personality. Kills your personality. Shiny, आपने ना shiny suit होना चाहिए, ना shiny tie होनी चाहिए. दोनों सर ये बड़ा मसला है. ये बड़ा मसला है. अगर यंग लॉयर्स जो हैं वो shiny tie लगाएंगे, ब्लैक कलर की टाई होगी लेकिन वो जिसको भी देखेंगे वो shiny tie लगाई हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है. एजुकेशन नहीं है. बिलीव इट नॉट, व्हेन दे विल यू नो कम टू मी, मैंने कहूंगा नहीं 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 आपने ऐसे नहीं करना. आप उसको और भी अरिस्टोक्रेटिक बना सकते हैं, आप उसको और जिसे कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड बना सकते हैं. उसमें थोड़ा सा टेक्सचर होता है. कई ऐसे मैंने देखे हैं, कई लॉयर में जजेस देखे हैं, यू नो सम ऑफ देम दे रियली ड्रेस वेरी वेल. तो उसमें थोड़ा सा टेक्सचर होगा. लाउड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे कोई लाउड डिजाइन नहीं होना चाहिए. अच्छा, फिर उसके बाद एक तो मैंने बताया कि पॉलिएस्टर. अच्छा, पॉलिएस्टर में एक और प्रॉब्लम है. आप 2-3 बार उसे पहनेंगे ना तो ऐसी रस्सी सी रोप सी बन जाती है, वो ऐसे हो जाती है टाई. जो नजर आ रहा है अगले बंदे को, तो अगर वही ठीक नहीं है तो आई थिंक इसका किल योर लुक. तो आपने उसका ख्याल रखना. अच्छा, फिर कॉलर शेप का आपने ख्याल रखना. अब मैंने देखा कई लोग, कई लॉयर्स हैं, हाँ, वो जनाब इतने इतने बड़े कॉलर के वो कर लेते हैं, एंड देन यू नो फेस इज स्मॉल एंड द कॉलर इज वेरी बिग, इट्स नॉट कंपैटिबल. अब देखिए मेरा फेस लंबा है, ठीक है ना, तो आई वेयर अ लिटिल बिट स्प्रेड हियर, सो दिस बैलेंसेस माय फेस. वो पूरी साइंस है. सो इफ यू विल कम टू अ गाय लाइक मी, बिलीव इन दैट आई कैन हेल्प यू विद दैट. कॉलर का साइज जो है उसका बेसिक तरीका चेक करने का ये कि आप टाई लगाएं, उसके बाद सी इफ यू कैन इंसर्ट टू फिंगर्स इजीली इन योर हेयर. अगर आप 2 फिंगर्स इंसर्ट कर सकते हैं, दैट्स द राइट कलर. अगर आप 4-5, वो बल्कि मैं कहीं बात कर रहा था, कह रहा था हमारे बॉस जो है तो पूरा हाथ ही चला जाता है, राइट. ऑब्वियसली दैट्स नॉट इज टू बिग. तो इसी तरह बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए. अच्छा, एक और चीज है, आपने देखा होगा खासतौर पे एंकर्स हैं, कि लॉयर्स आते हैं, कि अच्छा उनकी नेक नहीं है, जो कहते हैं हेड सिटिंग ऑन द शोल्डर, ऐसे ऐसे करके होता है. दैट्स हाउ दे फील. अच्छा, अब वो सारा कॉलर यहाँ राइड कर रहा है, एंड द पुअर गाय हैज नो नेक, ठीक है ना. तो अब यू नो बात करने वाला जो सुनने वाला वो कहते हैं हर चीज बंदा बड़ा अनकंफर्टेबल है, तो सुन कैसे सकते हैं. फिर आपकी सारी अटेंशन से चली जाती है, द मैन इज वेरी अनकंफर्टेबल इन दिस एंड दैट. तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि जब आप शर्ट स्टिच करवाएं और उसे कहते कॉलर बैंड जो है ना थोड़ा सा छोटा कर दें, उससे क्या होगा कि आपकी आपके यहाँ यहाँ चढ़ने के बजाय थोड़ा सा यहाँ बैठ जाएगा. बिलीव इन नॉट, इवन क्वार्टर ऑफ इंच इज ए बिग रूम फॉर दैट गाय. तो अगर मेरे पास आता है तो मैं उसका कॉलर बैंड छोटा कर देता हूँ. यू नो देखें, यहीं पर सारी बात है. यहाँ अगर इम्परफेक्शन आ गई तो कहते हैं ना पिक्चर और वर्ड्स मैच करने चाहिए. अगर आप कहते हैं कि आप वर्ड्स आप कहेंगे यू नो आई एम परफेक्ट गाय, आई एम गोना यू नो आई एम गोना विन योर केस, आई एम गोना बिल्ड योर केस, लाइक और सारा, और आपने अपना केस अच्छी तरह बिल्ड नहीं किया हुआ, यू आर योर ओन ब्रांड, और आपका ब्रांड जो है वो नहीं लग रहा जो आपको लगना चाहिए, देन आई थिंक अ लॉट इज मिसिंग देयर.
सर एक और भी बड़ा मसला होता है कि फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है लेकिन शूज के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी हुई, कैजुअल पहने हुए हैं, फॉर्मल नहीं पहने हुए, फॉर्मल पहने हुए हैं तो वो टो जो है वो इतनी बड़ी है या छोटी बड़ी है बहुत ज्यादा देखिए, है। जिसकी अभी मैंने बात की है, जो मैंने बात की है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें मैंने दिया वर्ड दिया ऑक्सफोर्ड शूज। आप गूगल करके ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड शूज शूज देख लें, या एंड लेटर ऑन आई एम गोना गिव माय नंबर आउट, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा उसकी। आपने इंच सिर्फ वही शू लेना है, उसमें दो कलर ले लेने, एक ब्लैक ले लें, एक ब्राउन ले लें। ब्राउन आपके यू नो व्हेन यू वेयर लाइक अ टैनिश पैंट और ब्रिटिश टैन पैंट, तो फिर उसके साथ पहन सकते हैं, लेकिन सूट के राइट साथ आपका ब्लैक शू चलेगा। उसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई मोटर, और याद रखें कोई लोगो मोगो नहीं होना चाहिए। कई मैं लॉयर्स देखे हैं कि यहाँ जी पे वो आर्मानी का अपना लोगो जिसका लगाओ। लो, ओह माय गॉड दैट्स टेरेबल, दैट्स टेरेबल। ये जो है ये तो उन्होंने स्टोर के लिए बनाया होता है कि यार पता लगे कि ये फलाने ब्रांड का सूट टगा हुआ है उसमें, यू नो इसको। बल्कि मैंने एक बंदे को देखा, वो यू नो ही वाज वॉकिंग लाइक ही वाज अ पीकॉक, एंड यू नो ही वाज ड्रेस्ड, एक्चुअली ही वाज ड्रेस्ड वेरी नाइसली टू, और उसके बाद ये अपना लेबल यहाँ पे था, एक्सपोज था। डोंट डू दैट, दैट्स अ बिग नो नो, जिसे कहते हैं ना फैशन पुलिस बहुत बड़ी टिकट देगी आपको इफ यू डूइंग दैट, सो यू हैव टू अवॉइड दैट। टाई की लेंथ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि टाई की लेंथ कहाँ तक बिल्कुल जानी चाहिए। आपकी टाई की लेंथ जो है ना, जो आपका बकल है ना बेल्ट का बकल, उसके मिडल तक जानी चाहिए। उससे अगर नीचे चले गई तो टू लॉन्ग, और उससे ऊपर आ गई तो टू शॉर्ट। अच्छा विड्थ क्या होनी चाहिए टाई की, ये भी मैं आपको बता दूं। ये भी बड़ा एक तो है मसला बिल्कुल पतली सी जो बॉयश है वो नहीं पहनी है, बहुत पतली जो है। उसके बाद है जो मैंने पहनी है, दिस इज माई नेक्स्ट लेवल, इसमें आप स्मार्ट लगेंगे। एंड यू नो ऑब्वियसली अगर आप बहुत बड़ा साइज है आपका, यू नो यू आर लाइक 50 चेस्ट और 52 चेस्ट, तो ये इतनी टाई आपके नहीं अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज यू आर यू नो चेस्ट इज बिग, तो उसमें आपने थोड़ा सा वाइड जाना है। लेकिन वो 3.5 इंच वाली वाइड और 4 इंच वाली वाइड, बिलीव एंड आई बर्न देम, दोस टाइज आर नॉट गुड, आई मीन यू नो इट्स नॉट गोना गिव यू ग्रेट लुक। तो आपने जो है मॉडर्न लुक में आए, आप देखें इस हम जो दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो इट्स लाइक एवरीथिंग इज हाई टेक, एवरीथिंग इज यू नो पीपल वांट टू यू नो डू बिजनेस विद पीपल हु लुक स्मार्ट, तो अटर्नी तो वैसे ही स्मार्ट होना चाहिए ना। तो आई वुड बिल्कुल से कि इसका आपने ख्याल रखना है, एंड दोज आर थिंग्स दैट आई वुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ। राइट सर पॉकेट स्क्वायर मेरे ख्याल में रह गया है, उसके ऊपर भी जरा रोशनी डालिएगा। अच्छा जी, पॉकेट स्क्वेयर जो है, देखें पॉकेट स्क्वेयर सबसे पहले तो पॉकेट स्क्वेयर का ये है कि इफ यू आर अ पॉकेट स्क्वेयर टाइप ऑफ गाय, टाइप ऑफ मैन, तो आप जरूर वेयर करें, क्योंकि कुछ लोग हैं दे आर नॉट दैट वेरी फॉर्मल, कुछ ज्यादा एक्चुअली कैजुअल साइड पे हैं, आप उन्हें सूट पहन लिया है, तो वो अगर पहनेंगे तो कॉन्शियस रहेंगे, यार ये क्या है, मैंने ये क्या पहना हुआ है, यू नो दे विल स्टार्ट लुकिंग, दे विल स्टार्ट फिक्सिंग एवरीथिंग। तो एक तो उसका ये रूल है कि इफ यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन आई वुड से डेफिनेटली वेयर इट, अगर ये नहीं है तो प्लीज डोंट डू इट, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। दूसरी बात यह है कि आपने इसको मैच कैसे करना है, जी मैचिंग का बड़ा इश्यू है, मैच लोगों ने कैसे करना टाई है। के साथ हाँ मैच किया होता है, कुछ ने शर्ट के साथ किया होता है। जी, और अल्लाह माफ करे उनको, रहमान मलिक साहब को, वो तो उन्होंने तो वो बिल्कुल वो टाई का पैटर्न और जो सारा वो बस हॉकी लगता है, बहुत चीप लगता है, वैसे कंट्राइव्ड लुक है, जैसे कि बड़ा यू नो कोशिश करके बनाई गई है। तो आई वुड से कि जैसे ब्लैक सूट में तो व्हाइट के साथ, अगर व्हाइट कर लें, मैं यूजली शर्ट के साथ करता हूँ, वो सटल हो जाता है। अगर आपने ब्लू शर्ट पहनी है, लाइट ब्लू पहनी है, तो लाइट ब्लू पहन लें, और उसके साथ आप ना टाई के साथ कंबाइन ना करें, वो टाई के साथ कंबाइन करते हैं बहुत लगता है कि जैसे ने बड़ी मेहनत की है उसको यू नो पुट टुगेदर करने में। ये तो ऐसे है कि यू नो ड्रेसिंग इज लाइक ओके यू नो इट्स योर स्टाइल, दिस हाउ यू डू इट, आई वुड डू दैट। अच्छा इसको अब रखने का तरीका बता देता हूँ, इसका रखने का तरीका ये है, एक है कि इसको आप सेंटर से ऐसे पकड़ें, ऐसे तो इसको लेके तो आप ऐसे करके इसको पॉकेट में ऐसे शव इन कर लें, और थोड़ा सा ये खुद ही फ्लावर सा बन जाता है, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। अच्छा दूसरा ये है कि आप इसकी पॉइंटी साइड जो है, पॉइंटी साइड को ऐसे कर लें, ये देखें ये पॉइंटी साइड है, ये ऐसे बन गया है। अच्छा फिर अगर आप ज्यादा फॉर्मल होना चाहते हैं तो फिर आप उसको प्रेस करके वो सारा जैसे प्रेसिडेंशियल लुक होती है, यू कुड डू दैट। दीज आर थ्री वेज टू वेयर इट, एंड इसके अलावा आई थिंक वी का, हाँ अब आ गई कि आपकी एक्सेसरीज की और बात, आपने रिंग पहननी है कि नहीं पहननी, आपने वॉच पहननी है कि नहीं पहननी, आपने पेन रखना है कि नहीं रखना, आपने एनक कहाँ रखनी है, ऑल दिस लेट मी टेल यू दिस, ये सारी लुक टोटली क्लीन होनी चाहिए, नथिंग शुड बी हियर, दिस इज नॉट मेड फॉर ग्लासेस, ये पॉकेट जो है इज ओनली मेड फॉर पॉकेट स्पेयर। अगर आप इसमें कोई और चीजें रखेंगे बल्की हो जाएगी, बल्जी हो जाएगी, ये फैब्रिक है थोड़ा सा ऐसा फूल जाएगा, आपकी फिट बिल्कुल यू नो इट विल बी डिस्ट्रॉयड।
दूसरी बात है, अगर पेन रखते हैं आप, तो पेन का इशू ये है कि अगर मैं, लेट्स से इफ आई वांट टू बिकम योर क्लाइंट, तो मैं कहूंगा पेन कौन सा है, कौन सी क्रॉस का पेन है या क्रॉस चीप का पेन है। आई मीन आप देखे ना, आई जाते हैं ना वहां पे, तो एक डिस्ट्रैक्शन है, दूसरा यू नो क्लाइंट या जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो ये सोचेगा यार कौन सा पेन है, जरूरत क्या थी, मैं रखूंगा नहीं रखूंगा, इसने क्यों रखा हुआ है। सो यू नो दैट्स आई वुड से डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह वॉच, आजकल मेरे ख्याल में वॉच की इतनी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सेल फोन है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वॉच पहननी है तो आपने बहुत ज्यादा बल्कि वॉच, जो इतनी बड़ी वॉच, फिर उसके बाद है वो जो होती है वॉच, इसमें वो चेन सी लगी होती है, बिलीव इट नॉट दैट लुक्स वेरी वेरी आई मीन नॉट प्रोफेशनल। अगर आपने पहननी है स्ट्रैप वाली वेरी स्लीक किस्म की वॉच, जिसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा ना हो, यू नो आई मीन डिजाइन ना हो एंड ऑल दैट, तो वो वॉच आपके लिए ठीक है। फ्रेग्रेंस जरूर लगाएं, believe it or not, you know, when you get ready under deodorant, I know it's a sensitive topic, like, but we have to do that. आप एक अच्छा deodorant लेके, branded deodorant लेके, you know, in the morning जो 24 hours last करता है। अच्छा, एक और बात, आपने अपनी शर्ट के साथ अंडर शर्ट जरूर पहननी है, बुनियान जरूर पहननी है जिसे कहते हैं, right? अच्छा, वो पहलवान वाली बुनियान नहीं, आपने बाजू वाली बुनियान पहननी है। उसकी वजह ये है कि देखिए स्वेट होता है, उसके बाद आप प्रोफेशनली अगर आपने कोट उतारा तो रावल यू नो वेरी बिलीव इन इट्स अ वेरी अगली लुक, एस्थेटिकली इट्स नॉट गुड, प्रोफेशनली इट्स नॉट गुड। तो ये 200 रुपए वाला मैंने आपको इसका सलूशन बता दिया कि आपने कॉटन की लेनी है और बाजू वाली लेनी है। उसके बाद डिओड्रेंट का मैंने बता दिया है। अच्छा, परफ्यूम कैसे लगाना है, परफ्यूम कैसे, बड़ा इशू है सर, 80% पाकिस्तान में परफ्यूम गलत लगाते हैं। लेट मी गिव यू अ डेमोंस्ट्रेशन, वो क्या करते हैं, वो परफ्यूम की बोतल लेते हैं, उसके बाद सारा फैब्रिक लग गया, और उसके बाद फैब्रिक भी खराब, उसके बाद वो एक हाइब्रिड स्मेल बनती है आपके कपड़ों में, जैसे स्मेल आती है, यू नो आफ्टर यू वेयर दिस एंड ऑल दैट, बिलीव इन इट्स नॉट द बेस्ट थिंग। तो आपने क्या करना है, उसका जो राइट तरीका है कि वो आप लें अपनी परफ्यूम की बोतल जो भी है, वो आप स्प्रे करें या रिस्ट के ऊपर ऐसे दो स्प्लैश करें, उसके बाद आप अपनी गर्दन के नीचे एक इस साइड पे और एक इस साइड पे या उसी को इस साइड पे करके, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। और आपने परफ्यूम बहुत हैवी किस्म का परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ही लगाना है, आपने परफ्यूम स्मेल के लिए लगाना है, लोगों को किल करने के लिए लगाना, यू नो दिस इज अच्छा वो आपने उसका ख्याल नहीं है, आई मीन लाइक डोंट टेक बैथ इन इट, यू नो डोंट टेक शावर इन उसके, एंड लाइट सी वेरी लाइट, यू नो अच्छी उसमें फ्रेग्रेंस हो, वो भी मैं कहूंगा आप यू नो ब्रांडेड ले लें, कोई इंपोर्टेड अरमानी का ले लें, सीके का ले लें, पोलो का ले लें, थोड़ा सा तो लगाना है, कौन सा हमने उसमें नहाना है, यू नो दैट्स दैट्स अनदर थिंग, राइट, व्हाट एल्स कैन आई टेल यू, यू नो आई वुड से दिस के आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए। सिग्नेचर लुक का मतलब क्या, आपको एवरी डे, इतने के एक दिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूसरे दिन आप सामवट अच्छे लग रहे हैं, तीसरे दिन आप वही है बंदा, तो यू हैव टू हैव योर सिग्नेचर लुक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम कलर पहनने हैं, आप डिफरेंट कलर पहने लेकिन कट सेम हो, कॉलर की शेप सेम हो, आपके ऊपर वो फिटिंग उसकी सेम हो, आपने शूज जो है वो प्रॉपर रखे हुए हैं, शूज को पॉलिश करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी कार में भी शाइनर रखता हूँ, मैं अपने ऑफिस में शाइनर रखता हूँ, मैं अपने यू नो शोरूम में भी शाइनर रखता हूँ, क्योंकि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इट कि जी वो तो मैं बाहर गया था, मैं तो जी बाइक पे आया था, मैं तो फलाना जी, बिलीव इन नो जस्टिफिकेशन, वर्ल्ड है ना, नो जस्टिफिकेशन, प्रोफेशनल वर्ल्ड इज नॉट गोना कट यू एनी स्लैक, आई कैन अश्योर यू। Exactly. और you know, और so, दूसरी बात ये खास तौर पर ख्याल रखें कि जितने भी आप लॉयर हैं, जो यू नो कमिंग फ्रॉम बॉटम अप, जो आपकी टॉप जो है सीनियर लॉयर हैं, वो आपको देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू एंड दे आर सेइंग यू नो कि ठीक है परफॉर्मेंस मैटर्स, बट वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी लुक क्या है, डू यू लुक प्रोफेशनल, डू यू लुक द पार्ट, क्योंकि आपको पता है यू नो प्रमोशंस होनी है आगे, यू नो करियर आगे जाना है, तो यू नो टॉप जितने भी लोग बैठे रहते हैं वो दे आर स्काउटिंग फॉर टैलेंट, के यार कौन सा बंदा जो है वो नॉट ओनली ही परफॉर्म्स और शी परफॉर्म्स वेरी वेल बट आल्सो लुक्स द पार्ट, सो आपको यू हैव टू लुक द पार्ट, सो दैट्स व्हाट आई से। सर थैंक यू सो मच हामिद साहब, इंशाल्लाह जो है आपने तमाम ही पहलू जो है वो कवर कर दिए हैं, तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा नाजरीन की तरफ से वो हम आप तक पहुंचाएंगे, तो नाजरीन अगर आपको इस तरह की परफेक्ट लुक चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट हामिद सईद साहब, इंशाल्लाह ये आपकी हेल्प करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस। मैं लास्ट पैगाम देना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको 5 पीस ड्रेसिंग बता दी हैं, जिसे कहते हैं ना कोक का फॉर्मूला, मैंने बता दिया, अब आपने अप्लाई कैसे करना है,
आपके पास तीन चार जी चॉइसेस हैं। पहली चॉइस तो यह है कि आप कहीं यार वो 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग है तो मैं किसी डिजाइनर के पास चला जाता हूँ, ठीक है। तो डिजाइनर जी जो है ना वो अपनी दुनिया में होते हैं, उन्होंने आपको जनाब वो यूनिक सा बनाना है, आप तो प्रोफेशनल बन रहे हैं, आपको तो एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो एंड दे गोना एग्जैक्टली चार्ज यू अ लॉट ऑफ मनी, सो आई थिंक दैट्स नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। आप कहते हैं अच्छा यार मैं टेलर के पास चले जाता हूँ, टेलर की प्रॉब्लम यह है कि टेलर जो एस्थेटिक है सेंस वो नहीं दे डू प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस, एस्थेटिक सेंस नहीं, एग्जैक्टली। जी तो उसमें वो आपसे पूछेगा अच्छा कौन सी स्टाइलिंग होनी चाहिए, तो आपको भी नहीं पता उसको भी एग्जैक्टली नहीं पता, तो ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, तो वो भी आपके लिए ग्रेट ऑप्शन नहीं है। अगर ब्रांड के पास गए हैं तो आप देखें ब्रांड ने आज तक भी आपसे ये नहीं पूछा कि आप करते क्या है, तो इससे पहले वो एकदम से आपको कहेगा जी सर ये तो बनाई आपके लिए, ठीक है, शर्ट भी बनी है, तो दे डोंट हैव ओरिएंटेशन, दे डोंट हैव ट्रेनिंग, दे डोंट हैव एक्सपोजर, तो आपको ज्यादा नहीं बता सकते। तो उसके बाद आपका एक ऑप्शन रह जाती है कि आप किसी कंसल्टेंट, मेरी तरह के इमेज कंसल्टेंट, आई मीन इफ यू ट्रेवल ओवरसीज यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ देम। पाकिस्तान में आई एम दी ओनली गाय राइट नाउ, सो आई एम एंजॉयिंग द मोनोपोली राइट नाउ, पूरा आई एम दी ओनली गाय इन टाउन, तो उसमें इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ना सिर्फ मैं कंसल्टेशन करता हूँ, मैं पूरी डिजाइन करके हर चीज बना के आपको सूट टू नट्स इवन शूज तक मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, सॉक्स भी सजेस्ट करता हूँ कि सॉक्स कैसी पहननी है, किस कलर की सॉक्स होनी चाहिए, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आप अपना उसमें लिख दें अपना उसमें पोस्ट में, इफ यू जी वांट जरूर टू हियर इट आई विल टेल यू 0322 3333034, 0322 ओके, tetra 3034, सो यू कैन रीच आउट टू वी विल मी पोस्ट एंड डेट ऑन इंशाल्लाह आवर आई पेज आई कैन एंड आई कैन हेल्प यू आउट। जी जी बिल्कुल जी, थैंक यू सर बहुत आमिर बहुत साहब शुक्रिया, सर थैंक यू वेरी मच, सर थैंक यू सो मच सर थैंक जी यू सर अप्रिशिएट।